आज के वीडियो में आप सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। एक ही वीडियो में सब कुछ आप सीखेंगे, तो जिसको भी सीखना है वो लास्ट तक देखे, छोड़ के सीखना है तो ही देखिएगा, वरना एक बार देख ही लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जोड़ सीख लेते हैं। तो जोड़ में क्या होता है कि ये ऊपर देखिए अंश है और नीचे क्या है, हर है। यह हमेशा होता है। एलसीएम आपको पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी सिखा देता हूँ। देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। क्यों होता है? देखिए 3 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, जिसे आप लॉसा बोलते हैं, पहले कौन सी संख्या से कटेगी? 2 से। देखिए 2 के फॉर्म में 3 नहीं आता है ना, नहीं आता है, उतार दीजिए। 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 हो गया, 2 3 6 हो रहा है। देखिए 6 आ गया। फिर देखिए ये जो नीचे वाला हर है उसको इसमें भाग देते हैं, तो 3 दुना के 6 2 बार में कट रहा है ना, तो 2 का अब इसमें 5 में गुणा कर दीजिए, 5 दुना के 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 का 6 में भाग दीजिए, तो 6 एकम में 6 1 बार में कट रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 1 का इसमें गुणा कर देना है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 2 12 बट्टा में 6। अब देखिए जो ऊपर वाला होता है उसको नीचे वाले से भाग देते हैं, देखिए 6 से भाग दीजिए, 6 दुना के 12 कट जाएगा, 2 बार में आ रहा है ना, तो यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, घटाना में सीख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। वैसे ही है सेम कोई, लेकिन गुणा और भाग अलग अलग होता है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 7 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 63। ठीक है, 63 क्यों होता है वो भी देख लीजिए। 7 और 9 का जब एलसीएम हम निकालेंगे, देखिए कोई भी संख्या कट रही है, 1 2 3 4 5 से नहीं कट रही है, 1 से कट जाएगी। लेकिन अब देखिए सबसे पहले 7 से कटाएंगे, 7 एकम में 7, और ये 9 ऐसे उतार देंगे। अब देखिए ये 9 का अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाइए, 1 उतार देती, 3 के 9, फिर 3 से ले जाइए, तो हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो 3 3 के 9 और 7 9 63। ठीक है, तो हो गया, तो 63 आपका हो गया। अब देखिए 7 का इसमें भाग दीजिए 63 में, तो 9 बार में जा रहा है ना, 7 9 63, तो 9 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 9 45 माइनस 9 का 63 में भाग दीजिए, 7 बार में जा रहा है, 9 7 63, तो 7 बार में जा रहा है, तो 7 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो 8 7 56 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 45 और 56, देखिए अब इसमें ये बड़ी संख्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, कोई बात नहीं, इसका आंसर माइनस में आएगा। तो घटाइए, 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 में से 4 जाएगा 1, फिर 63। ये देखिए बड़ी वाली संख्या कौन सी है? ये वाली है ना, इसके आगे कौन सी चिन्ह लगी है? माइनस की, तो ये माइनस में आपका हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो आ ही गया, आप गुणा भी सीख लीजिए, ये काफ़ी अलग होता है, भाग भी अलग होता है, आपको बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, आमने सामने गुणा किया जाता है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काट देते हैं। तो देखिए इसमें देखिए कोई भी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर देंगे, 7 3 के 21 और ये हो जाएगा 5 दुना के 10। अब देखिए कोई संख्या ऊपर नीचे कटेगी? नहीं कटेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आप दशमलव में ले जाते तो ये चला जाता। कि चलिए अब आप लोग भाग सीख लीजिए, भाग में क्या होता है वो देखिए, पहले इस संख्या को हम उतारेंगे, 5 बट्टा में 3 उतार लिया, लेकिन अभी संख्या को अभी नहीं उतारेंगे, क्यों? क्योंकि देख लीजिए पहले गुणा लगाएंगे, भाग को हटा के यहाँ पे हमें गुणा लगाना होता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि गुणा और भाग में एलसीएम का कोई काम नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जोड़ और घटाना में एलसीएम नहीं आता आपको, तो आप नहीं लगा सकते हैं जोड़ घटाना। तो जिसने नहीं सीखा वो सीख लेना, अभी देखना वीडियो दिखेगी लास्ट में, देख लेना। तो हमने भाग के जगह पे गुणा लगा दिया, और ये जो है 4 बट्टा में 7, तो अब क्या करेंगे, 7 बट्टा में 4 कर देंगे, ऊपर नीचे इसको कर देंगे। देखिए 7 नीचे ऊपर चला गया, 4 ऊपर है नीचे आ गया। अब इनको देखिए आमने सामने कोई कट रही है संख्या? नहीं कट रही है, इसको भी गुणा कर दीजिए, 5 7 35 और 4 3 12। अब देखिए कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है? नहीं कट रही है, तो यही आपका आंसर में हो जाएगा। ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया लास्ट तक देख लिया आपने, एक बार और देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। तो आज के वीडियो में आपने सीखा भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।